कर्फ्यू के दौरान नागपुर के सुविधा बार में दो बोरे दारू चोरी करते हुए दो आरोपियों को सीसीटीवी में कैद हुए हैं। 8 घंटे के भीतर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही करीबन 1 लाख कीमत का माल भी जब्त किया है। नागपुर शहरातल्या सदर भागामध्ये सुविधा नावाचं बार आहे, त्या बारच्या मालकांचा सकाळी 11 वाजता फोन आला होता की आमच्याकडं चोरी झालीचं आढळून आलेलं आहे म्हणून। तर यावेळेला सदर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि क्राईमचे अधिकारी तसंच आम्ही एक्साईजचे अधिकारी कर्मचारी सर्वजण जाऊन पाहणी केली आणि फुटेज चेक केलं असता आणि क्राईम ब्रँचचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी 1 तासामध्येच ते आरोपी पकडलेले आहेत आणि साधारणपणे 1-1.5 लाखाची दारू तरी प्राथमिकदृष्ट्या चोरी गेलेली दिसते। आता स्टॉक घेणं सगळं चालू आहे। सर्वात महत्त्वाचं इमिजिएट कारवाई झाली आणि आरोपी मिळालेले आहेत, त्यामुळं निश्चितपणे आळा बसायसाठी प्रयत्न जेवढे म्हणून करता येईल तेवढे पोलीस आणि एक्साईज करत आहे आणि लायसन्सीला पूर्ण सहकार्य करत आहे। साधारणपणे रात्रभर गस्तही आमच्या आहेत, पोलीस विभागाच्याही रात्रभर गस्त आहेत, त्यातूनही अशा काही अनुचित घटना घडल्या तरी आम्ही निश्चितपणे त्यांच्यासोबत आहे। 4-5 दिन से रोज वो लड़के लोग आ रहे थे, अभी आज उनका सीसीटीवी फुटेज में मिला है। एक्साइज और सदर पुलिस सदर डीबी वालों ने मिलकर कार्रवाई की, आरोपी पकड़ा गया, दोनों को ऑपरेट कर रहा है और हेल्प हो रही है पूरी। थोड़ी देर में स्टॉक निकल जाएगा, करीबन 50-60 हज़ार के ऊपर का माल है, 1 लाख रुपये के आसपास का माल होना चाहिए 50-60 हज़ार का। सर एक एक बोरी में अभी देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़े ब्रांड नहीं है क्योंकि उसमें सर ऐसी रात में आया था तो ऊपर दीवार टूटी हुई दिखी थी, तो मैंने देखा झाँक के, फिर मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और आज सदर पुलिस स्टेशन वाले आए और साथ में एक्साइज वाले आए, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और सीसीटीवी फुटेज में मिल गए, आरोपी भी मिल गए।